गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी हेल्प डेस्क 2.0 में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को मैं एयरटेल पेमेंट बैंक के कमीशन के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। जी हां, इस समय आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या कमीशन मिल रहा है पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। जो मेन मेन काम है, जो कमीशन है वो बताने वाला हूँ। अगर आपके पास रिटेल आईडी है तो ठीक है, आपको मालूम होगा। अगर आपके पास रिटेल आईडी नहीं है और लेने वाले हैं और अभी आप जानना चाहते हैं कि कितना कमीशन किस पे मिलता है, तो सारी डिटेल बताने वाले हैं। अकाउंट ओपनिंग, रिचार्ज, अटल पेंशन योजना, गोल्ड लोन हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, यूटिलिटी पेमेंट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे जो हैं सर्विसेज हैं जिसपे आपको कमीशन मिलता है। सीएससी अगर आपके पास है तो सीएससी में जैसे आपको कमीशन मिलता है, सेम इसी तरह ये भी एक रिटेल आईडी आपको यहाँ पे मिलता है, वो भी आपको जो जनसेवा केंद्र, वो भी एक रिटेल आईडी ही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी आईडी मिलती है, तो इसका क्या कमीशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप यहाँ पे अभी तक इस आईडी को नहीं लिए हैं तो एक बार आप देख लीजिए और जान जाइए क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट एयरटेल के नाम से है चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं और देख लीजिए वहाँ पर रिटेल आईडी भी कैसे मिलती है वो भी मैंने बताया हुआ, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको कमीशन बताता हूँ 2023 में जुलाई में क्या क्या है, तो एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, साइड में यहाँ पे दिखेगा भी, तो बेस कमीशन क्या है यहाँ पे तो बता दें। बेस कमीशन वो है जैसे कि आप किसी का अकाउंट खोलते हैं, उसमें पैसा वगैरह जमा करते हैं, तो उसको बेस कमीशन में वो आता है। तो उसमें अगर आप मान लीजिए किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट आपने खोला हुआ है, तो नगद जमा अगर वो कराने आता है आपके यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक आपको 0.12% यहाँ पे मिलेगा। और वहीं अगर 5 लाख से ऊपर पैसा नगद जमा करते हैं तो उस पर कोई कमीशन नहीं है। तो मैक्सिमम आप 5 लाख तक जमा करेंगे तो यहाँ पे 0.12% तो मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर वो पैसा निकालता भी है कैश, अगर आपके यहाँ आप कैश देते हैं उसको निकाल के अकाउंट से, तो यहाँ पे आपको 0.10% मिलेगा। तो 1% नहीं, 1% का 10 भाग है ये, तो 0.10% है। उसके बाद डीटीएच रिचार्ज अगर आप करते हैं, एयरटेल का डीटीएच रिचार्ज करते हैं, तो उस पर 3% है, या अन्य कोई भी डीटीएच रिचार्ज करते हैं तो उस पर 1.25% है। गाइस अब है अटल पेंशन योजना। अगर आपने अटल पेंशन योजना में किसी का अकाउंट यहाँ पे खोला, अटल पेंशन योजना जो स्कीम चालू किया है, तो उसका अगर प्रीमियम आप अगर भरते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये तक में आपको 20 रुपये कमीशन मिलेगा। वहीं 100 से लेकर 200 तक है तो यहाँ पे आपको 40 रुपये यहाँ पे मिलेगा। और वहीं अगर आपका 200 रुपये से जो है मासिक प्रीमियम जो है ज़्यादा है तो 50 रुपये आपको मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर कोई किसी का प्रीमियम आप तिमाही का भरते हैं, मतलब 3 महीने का उसका प्रीमियम है एक साथ, तो उस पर 60 रुपये, और छमाही पे 6 महीने में भी 60 रुपये है। तो ये अटल पेंशन योजना का है, जो कि एयरटेल अकाउंट खोल के आप अटल पेंशन योजना भी चालू कर सकते हैं रिटेल आईडी अगर आप एयरटेल के लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे गोल्ड लोन के बारे में बता दें। यहाँ पे गोल्ड लोन अगर आप किसी का यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है IIFL कंपनी का आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो 0.6% है। जितना भी गोल्ड लोन होगा उसका 0.6% आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर मुथूट का अगर आप किसी से करवाते वो भी 0.6% है। एक्सिस बैंक में भी किसी का अगर गोल्ड लोन आप यहाँ पे करते हैं तो उसमें भी आपको 0.6% यहाँ पे, ये रहा गोल्ड लोन में आपको कमीशन। अब यहाँ पे है सेविंग अकाउंट ओपनिंग का। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खोला जाता है, तो अगर आप किसी का भी सेविंग अकाउंट, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट हैं और कुछ स्कीम्स हैं, तो मान लीजिए 100 रुपये से किसी का भी अकाउंट आप खोलते हैं तो आपको जो बेसिक पे आउट है यहाँ पे, जो बेस पे आउट है वो 35 रुपये आपको मिलेगा। पहले ये 40 था, ये 5 रुपये कम हो गया, तो अब आपको ये 35 रुपये आप मिलेगा। वहीं मान लीजिए किसी का सेविंग अकाउंट 100 रुपये से खोलते हैं प्लस आप पेन कार्ड भी ऐड करते हैं तो 10 रुपये पेन कार्ड का मिलके आपको टोटल यहाँ पे 35 और 10 45 रुपये आपको मिलेगा। वहीं आप देखेंगे सुरक्षा बंडल है, जिसमें आप जो है अकाउंट खोलेंगे प्लस सुरक्षा, मतलब कि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा बीमा योजना वो भी आप करते हैं, तो
तो उसका भी आपको मिलेगा। तो जोड़ के आपको 35 रुपये अकाउंट का, सुरक्षा का 30 रुपये, और टोटल 65 रुपये होगा। और वहीं अगर आप इसी में जो है सुरक्षा के साथ अगर पैन जोड़ देंगे 10 रुपये और जुड़ जाएगा तो 75 रुपये इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। अब दोस्तों मान लीजिए किसी का यहाँ पे आप अकाउंट खोलते हैं जिसमें आप 400 रुपये तक जमा करवाते हैं, तो 35 रुपये अकाउंट का खोलने का मिलेगा, प्लस आपका जो भरोसा का जो 400 रुपये जमा करने का है जिसमें कस्टमर का जो है 100 रुपये कटता है अकाउंट खोलने का और 300 रुपये अकाउंट में जमा होता है, तो उसमें आपको 40 रुपये अलग से मिलेंगे, तो टोटल 75 रुपये ऐसे मिलेंगे। प्लस अगर आप यहीं पे अगर पैन कार्ड जोड़ देंगे तो 10 रुपये, वो 85 रुपये इस तरीके से ये मिलेगा। अब सुरक्षा, भरोसा प्लस आप जो है पैन भी जोड़ देंगे, इसे टोटल कर देंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 115 रुपये मिलेंगे। दोस्तों मतलब कि अगर सुरक्षा बीमा योजना कर देंगे, अकाउंट भी आप खोल देंगे, और उसके बाद भरोसा के तहत आप 400 रुपये उसमें डलवा भी देंगे और साथ में पैन कार्ड भी जोड़ देंगे, इस तरीके सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको 115 रुपये ये कमीशन बनता है, तो टोटल 115 रुपये आपको ये मिलेगा। दोस्तों थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये इस समय मैं शॉप में बैठा हुआ हूँ तो गाड़ी आती जाती है रोड पे, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर थोड़ा सा भी नॉइस हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप पैन कार्ड अगर जोड़ते हैं किसी का तो आपको यहाँ पे 10 रुपये जो है मिलेगा। दोस्तों ये पैन कार्ड आप जैसे किसी ने अकाउंट खोल लिया अपने से, या आपने कभी खोला दोबारा आके पैन कार्ड जुड़वाना चाहता है, तो अतिरिक्त 10 रुपये पैन कार्ड पर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे रिमिटेंस में मतलब कोई पैसा जमा करने आता है तो उस पर क्या कमीशन आपको मिलेगा, 0 से लेके 25,000 रुपये तक कोई भी जो है यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कराता है, इसमें आपको 0.45%, मतलब कि पॉइंट आधा भी, आधा परसेंट भी नहीं है, मतलब 0.45% है। तो ये चयनित राज्यों में केवल है, तो आप देख सकते हैं मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जो सेलेक्टेड हैं वहीं पर ये मिलेगा। बाकी अब आप फुल केवाईसी रेमिटेंस में, दोस्तों ये क्या है फुल केवाईसी रेमिटेंस, जब आप किसी का भी पैसा यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके पास एक ऑप्शन आता है केवाईसी का, अगर वो केवाईसी कराता है कस्टमर आपसे तो वहाँ पे ये इसको फुल केवाईसी बोलते हैं। अब उसका फुल केवाईसी करके आप पेमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी तक 0.45% था, तो वही अब ये 0.48% हो जाएगा। वहीं अगर 25,000 से 35,000 तक करेंगे तो आपको फिक्स एक 90 रुपये यहाँ पर मिलेगा, ये फिक्स रखा गया, और 35,000 से लेके यहाँ पे 41,000, 10,000, 49,000 तक, मतलब कि 50,000 से 1 रुपये कम, 500 कुछ रुपये कम, 49,499 रुपये तक आप जमा करेंगे तो उस पर 90 रुपये फिक्स यहाँ पे रखा गया है। ये कैश जमा करने आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आएगा मनी ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में, अपने अकाउंट में नहीं दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए आएगा, तो उसके उसका ये यहाँ पे कमीशन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे DBT एक ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT जैसे कि आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है वो आधार के थ्रू मिलता है, ऐसा नहीं कि अकाउंट में डायरेक्ट आता है, अकाउंट देते वो अकाउंट से नहीं आता, वो आधार के माध्यम से आता है। तो यहाँ पे एयरटेल भी DBT सिस्टम लागू किया हुआ है, आप किसी भी जो है अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे किसी भी जो DBT है उसको एयरटेल पेमेंट अकाउंट से जो है जोड़ सकते हैं, उसमें पैसे ले सकते हैं। गाइस मान लीजिए आप किसी का यहाँ पे DBT लिंक कर देते हैं उसके पेमेंट बैंक से अकाउंट से, तो उसमें क्या होगा कि जब कोई भी DBT उसके अकाउंट में आता है, पैसे आएगा सरकार की तरफ से, और वो जब पैसे निकालेगा किसी भी एयरटेल रिटेल से, ऐसा नहीं है कि किसी बाहर से वो निकाल लेगा तब नहीं, अगर वो जैसे रिटेल ID आपके पास है आपके यहाँ से भी निकालता है, तब के केस में ये 15 रुपये प्रति कस्टमर महीने में एक बार आपको मिलेगा, हर कस्टमर का 15 रुपये और महीने में एक बार। अब मान लीजिए उसका जो है 2-3 बार आता है तो आपको हर महीने वो 15-15 रुपये मिलेगा, मगर महीने में अगर 2 बार किसी का आ जाता है, वो 2 बार पैसे निकाल लेता है और 100 रुपये से ज़्यादा निकालेगा तब के केस में, तो फिर आपको वो 15 रुपये एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो जैसे कि मान लीजिए APS से निकालता है या जो कैश ड्रॉप जैसे कि अकाउंट है खुद से यहाँ पे आप निकाल देंगे तो उस पर आपको ये मिलेगा। और दोस्तों ये जो है 1 साल के लिए होता है, जैसे DBT लिंकिंग क्रेडिट जो है जैसे 23 फरवरी से और मार्च 24, 1 साल ये पूरा डिफरेंस है इसके बीच मिलेगा। अब दोस्तों ये प्राइम है, तो ये प्राइम उनके लिए जो प्राइम इनका एक प्लान है अगर वो लेते हैं उनके लिए, तो ये नहीं बताऊंगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि जनरली कोई नहीं लेता है।
तो ये हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे कैश ड्रॉप है, यहाँ पे ड्रॉप मतलब कि अगर आप फाइनेंस में लोन है आपका, ईएमआई है या कुछ भी है, मान लीजिए आपका प्रीमियम है, तो उसका ये कैश ड्रॉप उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर आता है, जैसे मान लीजिए एलआईसी है जमा करता है, इसमें एलआईसी तो नहीं है, फॉर एग्जांपल जमा करता है उसका प्रीमियम, तो उसका ये इसको कैश ड्रॉप बोलते हैं और उसका ये कमीशन है। उस पर आपको यहाँ पे कुछ कंपनीज दिखाई दे रही हैं, दो टैब में आपको यहाँ पे हैं। तो अब जैसे एक्सिस बैंक हो गया और ये हो गया आपका वेदिका हो गया, एलएनटी हो गया, ऐसे बहुत सारे, टीवीएस क्रेडिट हो गया, बीएसएस हो गया, इंडस्टलैंड हो गया, जोमेटो हो गया। तो ऐसे जो इनके जो भी यहाँ पे आप जमा करेंगे तो उस पर आपको जो कमीशन जो जमा कराएगा, कमीशन आपका 0.10% है, मतलब 0.10% आप बोलेंगे तो 0.10%, 10 नहीं, 0.10% आपको यहाँ पे मिलेगा। वहीं कुछ ऐसे हैं जो कंपनी है, जैसे स्विगी हो गया, यहाँ पे IDBFC फर्स्ट हो गया, और DCB हो गया, श्री राम हो गया ट्रांसपोर्ट, ये श्री राम फाइनेंस हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया। तो ऐसे जो कंपनी है ये थोड़ा सा ज़्यादा दे रही है, 0.12%, तो ये इतना आपको यहाँ पे उस पर कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों ये उनके लिए है जो ये सब कैश ड्रॉप करेंगे तब। एजेंट मॉडल है, तो ये एजेंट मॉडल में आपसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये प्राइम सब्सक्रिप्शन है, जो प्राइम मैंने बताया जो सब्सक्रिप्शन लिया उनके लिए, ये सॉरी प्राइम सब्सक्रिप्शन दिया गया अगर आप लेना चाहते, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो अगर आप सिल्वर वाला लेंगे तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा इसमें 2499, गोल्ड का लेंगे तो यहाँ पर 4999, वहीं अगर आप प्लेटिनम लेंगे तो आपको 9999 रुपये देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कमीशन है जस्ट डबल हो जाएगा, APS का कमीशन डबल हो जाएगा, ये एक बार देना होता है फिर आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। तो ये इसमें बेनिफिट मिलते हैं, जैसे गोल्ड लोन में आपको 0.6% मिल रहा था, यहाँ पे 0.10% हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आते हैं यूटिलिटी पेमेंट्स में, जैसे कि यूटिलिटी पेमेंट्स में आप बिल जमा करते हैं तो उसका कमीशन क्या है। तो जैसे मान लीजिए बिलर कैटेगरी है, और जैसे मान इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं आप, जीरो से लेके 500 रुपये तक जमा करते हैं तो फिक्स आपको यहाँ पे जो है 3 रुपये मिलेगा। वाटर आप जमा करते हैं तो 3 रुपये, वहीं गैस का भी आपको 3 रुपये, 500 रुपये तक अगर जमा करते हैं तो 3 रुपये कमीशन मिलेगा। वही 500 से लेके आपको 1000 रुपये तक आपको यहाँ पे जमा करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे 7 रुपये कमीशन मिलेगा, तीनों में ही मिलेगा सेम। अगर 1000 से लेके 2000 रुपये के बीच जमा करते हैं तो 12 रुपये मिलेगा, और 2000 से लेके 3000 रुपये तक अगर आप जमा करते हैं तो 16 रुपये आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। वहीं अगर 3000 से ज़्यादा करते हैं तो फिक्स पे कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों ये था यहाँ पे यूटिलिटी पेमेंट का कमीशन, या APS सर्विस आप यूज करते हैं जैसे कि डीजी पे लाइट यूज करते हैं, तो उस पर जो कमीशन है वो यहाँ पे क्या है एयरटेल में, तो वो बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी का 500 रुपये APS से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर 0.25 आपको कमीशन मिलेगा, ये पैसे रुपये में है, मतलब 25 पैसा मिलेगा। और वही 500 से 1000 करेंगे तो 1000 नहीं, 1000 मतलब 999 तक की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो उस पर 1.5 रुपये है हो गया। और वहीं 1000 निकालेंगे तो 2000, 1000 से लेके 1499 तक 2 रुपये, और वही 1500 से लेके 1999 तक 3 रुपये, और 2000 रुपये से लेके 2499 तक 4 रुपये, और 2500 से लेके 2999 मतलब 1 रुपये कम 3000 में तो 6 रुपये, और 3000 आप निकालेंगे तो 8 रुपये। दोस्तों ये जो 3000 का अमाउंट है, अगर 3000 आप निकालेंगे तो फिक्स इसमें आपको 8 रुपये मिलेगा। वही 3000 ज़्यादा जैसे ही आप कर देंगे तो वहाँ पे 2 रुपये कम होके 6 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये जो है पैसा आपको जो कमीशन APS है वो उसमें आपको मिलता है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, अब आपको यहाँ पर रिचार्ज में बताते हैं। BSNL का रिचार्ज करेंगे 3 रुपये होगा, अगर MTNL मुंबई में है तो यहाँ पे 2% है, MTNL दिल्ली में अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 2 रुपये, जियो का करेंगे तो यहाँ पे 0.50%,
मतलब आधा परसेंट आपको मिलेगा, वहीं BI के करेंगे 2% आपको रिचार्ज पे कमीशन यहाँ पे मिलेगा। और कुछ राज्य को छोड़ के जैसे दिल्ली में आपको यहाँ पे जो है एयरटेल के रिचार्ज में आपको यहाँ पे जो है 2.5% मिलेगा, और सभी राज्यों में 3% दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली के लिए यहाँ पे अलग से बनाया गया। तो इस तरीके से है, बाकी जो अमाउंट है आपको जो कमीशन है वो तुरंत नेक्स्ट डे मिल जाता है। और जो जो प्रमोशनल स्कीम होते हैं वो महीने के 7 तारीख को आपके अकाउंट में यहाँ पे जमा हो जाता है। जैसे कि आप अकाउंट वगैरह खोलेंगे ये प्रमोशनल में आते हैं, तो इसका जो कमीशन है वो आपको हर महीने के 7 तारीख को आपके बैलेंस में वो जुड़ जाएगा, जो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट दिखाई देता उसमें। और बाकी जो रिचार्ज करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, ये पैसा आपका तुरंत जुड़ जाता है नेक्स्ट डे में, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये था यहाँ पे कमीशन के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और बहुत बड़ा हो गया वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब अभी तो बहुत था, मगर मैंने जो प्राइम वाला वो छोड़ दिया, क्योंकि जनरली ये जो प्राइम सब्सक्रिप्शन है वो कोई लेता नहीं है, जो नॉर्मल जैसे यूज करते हैं, जैसे आप नए नए अगर आईडी आप लेंगे तो आप नॉर्मल ही यूज करेंगे, तो वो कमीशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। जो मैंने बोला वो कमीशन रुपए में और परसेंटेज में है, तो हर जगह आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सुन सकते हैं, अगर वो काम करते हैं तो जान सकते हैं कि कितना कमीशन मिलेगा। बाकी अब आपको एक्स्ट्रा कितना लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है वो भी आप जो है कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई मन में सवाल डाउट क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, या रितेशन34 इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करें, फॉलो करें वहाँ पे, और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं एक बार आप वीडियो देख के चले जाएंगे दोबारा हो सके फिर मैं न मिलूँ, तो इसलिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री है इसका, कोई पैसा नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।